सवेरे 6 बजे पहुंच गए थे पटना। तो यहाँ देख सकते हैं, अभी आप लोग को दिखाएंगे, जो कि यहाँ पास में गांधी मैदान है। तो यहाँ पाटलिपुत्रा स्टेशन जो है जंक्शन, तो यहाँ से हम लोग अभी निकल के जा रहे हैं, अब जाएंगे गांधी मैदान। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से मेरा यूट्यूब चैनल में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों मैं अभी फारबिसगंज जंक्शन में हूँ, जो कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि अभी फारबिसगंज फिलहाल जंक्शन में हूँ। तो दोस्तों अभी यहाँ से हम लोग अभी निकलेंगे पटना, और ये देख सकते हैं मेरा मामा श्री। बोलिए कहाँ जाना है अभी? फारबिसगंज जंक्शन से पटना पाटलिपुत्रा उतरना है, जो कि वहाँ से हमारे सेमिनार जाने के लिए गांधी मैदान जाना है। ठीक है, तो दोस्तों तब फिर हम लोग यहाँ से अभी जस्ट ट्रेन आएगा। लगभग हम लोग का ट्रेन कितना बजे है? लगभग 8:54 पर, 8:54 पे ट्रेन आएगा। तो हम लोग निकलेंगे, तो अभी देखा सकते हैं यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। जो देख सकते हैं यहाँ पे इंजन लगा हुआ है, ये शायद मालगाड़ी है, देख सकते हैं यहाँ पे। और इधर देख सकते हैं डोजर भी लोड किया हुआ। यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा है, जो कि फारबिसगंज अभी जंक्शन में। चलते हैं दोस्तों यहाँ से पटना, पटना का फिर आप लोग को व्यू देखें, जो कि हम लोगों के साथ में है। और सब भी है, मेरा देख सकते हैं, मेरा अजय सर है और भी है, और हम लोग सब भाई मिल करके पटना जा रहे हैं। हमारे एक बहुत अच्छे दवाई का कंपनी है, जो आयुर्वेद से बिलोंग कर रहे हैं, उस कंपनी का सेमिनार होने जा रहा है पटना में। उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, और प्रस्थान करने के लिए हम लोग यहाँ लगभग 6 भाई में हैं। और पहला है सतीश कुमार, जो कि मेरा भांजा है, और दूसरा मैं, जो कि मेरा नाम दिनेश कुमार मंडल है। उसके बाद तीसरा है अजय भाई, जो कि अजय भाई कौन है? ये आप अजय भाई हैं, हमें पहचान। ये एक गोसनगर से बिलोंग कर रहा है, और मेरा एक है एक गोविंद भाई, जो कि कुर्सा गटा गढ़ा पीपर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और मेरा एक भाई और छूट गए हैं, जो कि वहाँ सलेंदर भाई है, जो लग रहा है कि हमको टिकट कटाने के लिए चल गए हैं। वो जो है ना, उसका नाम है महामहिम, महाधुरंधर, महास्पीकर श्री सुरेंद्र कुमार सिंह। अभी नहीं है, अभी फिलहाल उधर गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, ज़रूर स्किप मत कीजिएगा। जो भी भाई अभी मेरा चैनल में बने हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर चलते हैं यहाँ से दोस्तों, कुछ आप लोग को यहाँ का व्यू दिखाते हैं, फिर बने रहिए मेरा वीडियो। हम लोग को अभी फारबिसगंज जंक्शन दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि जो का अंधेरा है, लगभग 8 बजने वाला है। तो अभी आप लोग को फिलहाल दिखा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ सुरेंद्र भाई भी है मेरा, और अभी ट्रेन आएगी तो हम लोग जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ का व्यू। तो दोस्तों ट्रेन आएगा तो उसका मैं व्यू दिखाएंगे, तो फिर बने रहिए, आगे दिखाते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ फारबिसगंज जंक्शन, जो कि अभी हम फिलहाल फारबिसगंज जंक्शन में हैं, जो कि काफ़ी अंधेरा है। देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ का व्यू दिखा रहे हैं आप लोग को। तो कुछ देर में ट्रेन आएगी तो फिर हम लोग निकलेंगे। तो दोस्तों यहाँ का व्यू आप लोग को दिखाएं, देख सकते हैं कि फाइनली ट्रेन आ गया है, और हम लोग अभी ट्रेन में चढ़ेंगे यहाँ से, तो फिर निकलेंगे अभी पटना के लिए, देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो हम लोग का डब्बा आएगा, तो फिर उसमें हम लोग चढ़ेंगे, चढ़ के फिर निकलेंगे पटना के लिए। फिर बने रहिए, चलते हैं, आप पटना जंक्शन का आप लोग को व्यू दिखाएंगे, फिर बने रहिए मेरा वीडियो। दोस्तों देख सकते हैं कि फाइनली हम लोग ट्रेन में अभी बैठ चुके हैं, तो यहाँ से चलते हैं अररिया। अररिया में भी मेरा डिस्ट्रीब्यूटर सब बहुत सारा है, वहाँ भी फिर ट्रेन में बैठेगा, तो फिर वहाँ से जाके फिर पूर्णिया में, जो कि मेरा दिल मामा मंकेश मेरा सीनियर भी है, तो फिर वहाँ सीनियर को भी लेंगे, तो फिर वहाँ से निकलेंगे हम लोग पटना। तो फिर पटना जंक्शन का आप लोग को वीडियो जरूर दिखाएंगे, फिर बने रहिए, चलते हैं यहाँ से आगे, आप लोग को पटना जंक्शन का वीडियो जरूर दिखाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं कि फाइनली हम लोग पाटलिपुत्र पटना पहुँच गए हैं, जो कि जंक्शन है यहाँ पे, देख सकते हैं। और यहाँ मेरा शिवानंद जी है, और सारा भी डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत सारा है यहाँ पे। लगभग हम लोग 25 आदमी से आए हैं, जो कि अभी जाएंगे पटना गांधी मैदान। तो यहाँ का व्यू अभी दिखा रहे हैं आप लोग को, देख सकते हैं कितना नज़ारा भरा है। थोड़ा सा अभी रात है, तो इसलिए उतना तो चलते हैं दोस्तों यहाँ से, पीछे वाले कैमरा से आप लोग को दिखाने के। दोस्तों देख सकते हैं कि हम लोग अभी पाटलिपुत्रा स्टेशन में है, तो फिर यहाँ से चलते हैं आगे आप लोग को दिखाने के लिए, और चलते हैं पीछे वाले कैमरा से यहाँ का व्यू दिखाने के लिए। बहुत अच्छा है यहाँ का लोकेशन, देख सकते हैं। चलते हैं यहाँ से
अब गांधी मैदान का भी सीन दिखाएंगे आप लोग को, फिर बने रहिए, चलते यहाँ से आगे। देख सकते हैं दोस्तों कि कितना अच्छा लग रहा है, और ये ट्रेन अभी यहाँ से जा रहा है। तो हम लोग को अभी यहाँ पे पाटलिपुत्र स्टेशन जंक्शन में उतरे हैं, तो फिर यहाँ से आगे निकलेंगे आप लोग को दिखाने के लिए। चलते हैं यहाँ से आगे आप लोग को दिखाने के लिए, फिर बने रहिए दोस्तों। ये पाटलिपुत्र स्टेशन जो है जंक्शन, तो यहाँ से हम लोग अभी निकल के जा रहे हैं, अब जाएंगे गांधी मैदान। देख सकते हैं यहाँ का व्यू अभी आप लोग को दिखा रहे हैं, बने रहिए मेरा वीडियो। चलते हैं दोस्तों, अब विदा लेते हैं पाटलिपुत्र जंक्शन को, फिर चलते हैं यहाँ से आगे आप लोग को दिखाने के लिए। दोस्तों अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे गांधी मैदान, तो देख सकते हैं कि अभी जा रहे हैं हम लोग, और लगभग हम लोग 25 से 50 आदमी से ज़्यादा भी हैं। तो चलते हैं यहाँ से आगे आप लोग को दिखाने के लिए। देख सकते हैं यहाँ का व्यू दिखा रहे हैं, अभी जंक्शन से आगे निकल रहे हैं हम, चलते हैं यहाँ से आगे आप लोग को दिखाने। दोस्तों देख सकते हैं कि मैं फाइनली पहुँच गया हूँ गांधी मैदान में, तो दोस्तों चलते हैं यहाँ से अंदर आप लोग को दिखाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी गांधी मैदान के पास में हम लोग, तो यहाँ से चलते हैं आप लोग को दिखाने के लिए। तो बने फाइनली दोस्तों देख सकते हैं कि हम लोग अभी गांधी मैदान पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं अभी आप लोग को पीछे वाले कैमरा से ज़रूर दिखाएँगे यहाँ का व्यू, और यहाँ रुकेंगे आप लोग को यहाँ का लोकेशन भी दिखाएँगे, और फिर चलते हैं अभी फिलहाल आगे आप लोग को दिखाने के लिए। फाइनली दोस्तों यहाँ पे आए थे, मुँह हाथ धो के हम लोग तैयार हो गए हैं, जो कि देख सकते हैं कि शिवानंद जी है वहाँ पे, वो भी तैयार हो गया। अब यहाँ से चलते हैं गांधी मैदान, तो आप लोग को गांधी मैदान का व्यू दिखाएंगे, तो फिर बने रहिए, चलते हैं यहाँ से आगे आप लोग को दिखाने। दोस्तों देख सकते हैं कि गांधी मैदान यार सब कुछ, लेकिन मानना पड़ेगा पटना में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ दिखा रहे हैं आप लोग को भी, इतना मस्त लग रहा है यहाँ का व्यू, बहुत मस्त है यहाँ का व्यू। और अभी हम गांधी मैदान के पास में हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं, तो चलते हैं दोस्तों यहां से आगे आप लोग को दिखाने के लिए। देख सकते हैं कितना मस्त व्यू है यहां का, चलते हैं दोस्तों आगे दिखाने के लिए। दोस्तों हम गांधी मैदान में हैं, देख सकते हैं कि मेरे पीछे के व्यू कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बैंक भी है और लिफ्ट भी सेट किया हुआ है। अभी हम यहाँ से चलेंगे गांधी मैदान के भी आप लोग को व्यू दिखाएंगे। दोस्तों यहां से चलते हैं आगे आप लोग को दिखाने के लिए, फिर बने चलते हैं दोस्तों अभी आप लोग को और दिखाएंगे, फिर यहां से आगे चलते हैं आप लोग को दिखाने के लिए, फिर बने रहिए। और देखते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहां का व्यू आप लोग को दिखाएंगे, और जो गांधी मैदान में जाएंगे गांधी जी का तस्वीर भी आप लोग को दिखाएंगे। तो अभी मैं फर्स्ट बार मैं पटना आया हूँ, तो पटना का अभी मैं ट्रेवल करके आप लोग को दिखा रहा हूँ, जो कि मैं कल ही निकला था लगभग 8-9 बजे रात में फारबिसगंज से। तो आज मैं सवेरे 6 बजे पहुंच गया थे पटना, तो यहाँ देख सकते हैं अभी आप लोग को दिखाएंगे, जो कि यहाँ पास में गांधी मैदान है। तो यहाँ से चलते हैं आगे आप लोग को दिखाने के लिए, फिर बने रही। देख सकते हैं कि यहाँ का व्यू दिखाते हैं, जो कि गांधी मैदान का यहाँ पे 12वीं नंबर गेट है, तो हम लोग अभी 12वीं नंबर गेट के पास में है, तो फिर यहाँ से चलते हैं आगे आप लोग को दिखाने के लिए, फिर बने रही। देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे सुधील माँ और हम सब मिल के यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे पी रहे हैं सत्तू, और सत्तू बहुत अच्छा बनाया है ये भाई साहब, बहुत अच्छा सत्तू बनाया है, जो कि अभी पटना गांधी मैदान के पास में है हम लोग। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा सत्तू पी के, फिर चलते हैं यहाँ से आगे आप लोग। तो आप लोग को अभी दिखा रहे हैं गांधी मैदान, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा फील्ड है यहाँ पे, और देख सकते हैं बहुत ऐतिहासिक जो है यहाँ गांधी जी का तस्वीर लगा हुआ है वहाँ पे, देख सकते हैं इसके पास भी आप लोग को दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी चलते हैं यहाँ से आगे आप लोग को दिखाने के लिए। हेलो दोस्तों देख सकते हैं कि फैमिली ये दोस्त सब हमको मिला है यहाँ पे, जो कि अभी महात्मा गांधी मैदान में है। और अभी आप लोग को मैं पहले ही वीडियो में बताएं कि आप लोग को अभी महात्मा गांधी का जो तस्वीर है वो दिखाएंगे, तो यहाँ से अभी फिलहाल दोस्त सबसे पता पूछ लेते हैं कि आप कहाँ से हैं दोस्त। मेरा तो औरंगाबाद घर हुआ, औरंगाबाद जिला से मैं आया हूँ। अच्छा आप भी यहाँ पर ब्लॉगिंग करने के लिए आए हैं? मैं भी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। क्या चैनल है आपका, चैनल का नाम बताएं? मेरा चैनल का नाम है कुमार मुकेश राव। दोस्तों इसका चैनल का नाम है कुमार मुकेश राव, तो इसका चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं यहाँ पटना पे आया हूँ, पटना पे आया तो मैं सोचा कि यहाँ पे जाता हूँ यहाँ पे गांधी मैदान पे, तो गांधी मैदान आया तो यहाँ का थोड़ा सा आप लोग को व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से चलते हैं आप लोग को जो गांधी जी का तस्वीर है वो आप लोग को दिखाने के लिए, फिर बने रहिए वीडियो में, चलते हैं यहाँ से आगे।